स्वागत करता हूं आप सबका जेडी इंस्टीट्यूट कानपुर में, जहां पर मैं अंकित गुप्ता और हमारी टीम यूपी टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासेस कंडक्ट करने जा रही है। हमारी क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स पर रहेंगी। तो केमिस्ट्री पीजीटी और टीजीटी के लिए थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि किस तरीके से आपको एग्जाम प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग टीजीटी साइंस की। टीजीटी साइंस की बात कर लेते हैं। टीजीटी साइंस में आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स दो पूछे जाते हैं अभी तक। हो सकता है कि बायोलॉजी वालों को भी इसी में अलाउ कर दें तो फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन हमें भविष्य की बात नहीं करनी है, वर्तमान में जो क्राइटेरिया है उन्हीं के अकॉर्डिंग बात करनी है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, दो चीजें रहते हैं। टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 125 होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 3.4 मार्क्स का रहता है, तो इस तरीके से लगभग 425 क्वेश्चंस का रिटन होता था पहले, और 25 नंबर वेटेज होते थे, 50 नंबर का इंटरव्यू होता था। इस बार इंटरव्यू खत्म कर दिया है तो ये क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो बढ़ा दी होगी, जिससे कि पूरा हो जाए। तो क्वेश्चंस अगर बात करें तो लगभग 62 से 63 क्वेश्चंस फिजिक्स के रहते हैं, और लगभग इतने ही क्वेश्चंस 62 से 63 क्वेश्चंस ही केमिस्ट्री के रहते हैं। तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए जो आप सम्मानजनक स्कोर कर पाए, जिससे कि सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज खूब ज्यादा है और इंटरव्यू भी खत्म कर दिया, तो केवल वन डे एक एग्जाम देना और आपको नौकरी ले लेनी है तो बहुत आसान हो गया है। तो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि आपको बहुत लंबी लंबी किताबें, बहुत ज्यादा बहुत डीप बहुत टफ चीजें नहीं पढ़नी है। जो आपको जरूर करना है वो ये है, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस में आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। और जो आपको नहीं करना है वो ये है कि आप किसी भी स्टैंडर्ड फॉरेन राइट बैठेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा केमिस्ट्री जो है वो 11th एंड 12th की बुक से करेंगे। टीजीटी के लिए जो केमिस्ट्री करनी है आपको, उसका स्तर शायद ये है कि कुछ क्वेश्चंस आपके नीट लेवल तक पहुंचते हैं, नीट लेवल तक पहुंचते हैं। आपको आईआईटी जेईई मेंस के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, एडवांस तो भूल ही जाओ, और नीट के बाद एम्स मेंस के क्वेश्चंस भी नहीं छूने हैं। इनके क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं आप नीट वीट के चक्कर में ही ना पड़िए। आप 11 12 की किताबें लीजिए, जो भी बोर्ड्स की किताबें आपने पढ़ी हो आपके पास अवेलेबल हो, बस उन्हीं में से सिलेबस छांटिए। सिलेबस छांटते समय ध्यान रखिए, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी, तो आपने जो 11 12 की किताब पढ़ी होगी उसमें रही होगी रेडियो एक्टिविटी, पहले यूपी बोर्ड में होती थी, सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं कि आपने चैप्टर खोला शुरू से आखिरी तक पूरा चैप्टर पढ़ गए, ऐसा नहीं करना है। किसी भी चैप्टर में आप पहले बुक खोलिए, उसके कंटेंट्स देखिए कि कितने टॉपिक्स हैं, सिलेबस खोलिए, सिलेबस में रेडियो एक्टिविटी में कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बस उन्हीं टॉपिक्स को टिक कर लीजिए कि यही टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, इन्हीं के क्वेश्चंस करने हैं। और बहुत अच्छा है कि अपने नोट्स अलग बना पाए तो बना ले कुछ हिंट के लिए। इस तरीके से आपको 11 12 की किताबों से केमिस्ट्री पढ़नी है, और गारंटी मानिए कि आप 60 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे। फिजिक्स भी आपको ऐसे 11 12 से ही करनी है, और हमेशा होता है कि किसी की केमिस्ट्री ज्यादा स्ट्रांग होती है, किसी की फिजिक्स। तो जो पोर्शन स्ट्रांग होता है उसमें ज्यादा हो जाता है, दूसरे में थोड़ा कम रहता है। तो मेरा मानना है कि अगर आपने केमिस्ट्री तो आप मेरे साथ तैयार करने जा रहे हैं, तो मैं श्योर करता हूं आपको कि 60 क्वेश्चंस तो आप कर ही लेंगे अगर मन लगा के अध्ययन करेंगे तो। और फिजिक्स में अगर आप 45 या 50 क्वेश्चंस भी कर लिए फिर भी आप 100 से ऊपर पहुंच गए, और 100 पे तो कट ऑफ पीजीटी का पहुंच जाता है, जहां पे लगभग वैकेंसीज इससे पहले 40-50-60 रहती थी, 30-40 रहती थी, इस बार तो बहुत वैकेंसीज है। टीजीटी में तो लगभग 1000 वैकेंसीज हैं। तो आप अगर 100 क्वेश्चन स्कोर कर गए तो श्योर सिलेक्शन है। अच्छा, ज्यादा क्वेश्चन करने में थोड़ी अभी मेहनत कर लेना रिटन एग्जाम में ही,
ज्यादा क्वेश्चंस करने से एक बहुत बड़ा फायदा होता है, आपको कॉलेज मन का मिल जाता है, क्योंकि कॉलेज जब आपको मिलते हैं तो प्रेफरेंस में मिलते हैं कि आपकी मेरिट क्या है, मेरिट आपके एग्जाम से बनेगी, तो इतना अच्छा रिटेन एग्जाम दो कि आपको मन चाह विद्यालय मिल जाए, नहीं तो नौकरी मिलने के बाद भी दुखी रहेंगे कि ये कैसी नौकरी है, भगवान मेरा परिवार है 700 किलोमीटर दूर और मैं यहाँ एक छोटे से गाँव में कस्बे में पढ़ा हूँ, ना त्योहार पे घर जा पाता हूँ, किसी छोटे साल में एक दो बार ही घर जाएंगे, तो वो नौकरी से ज्यादा बुरी नौकरी हो जाएगी। मेरा मानना यह है कि आपकी नौकरी आपके बेहतर जीवन के लिए है, आपका जीवन आपके नौकरी के लिए नहीं है, तो अच्छे से अध्ययन करिए, अपनी मनचाही जगह पे नौकरी लीजिए और व्यवस्थित जीवन जिए, इस तरीके से यूपीपीजीटी की आप तैयारी कर पाएंगे। बात कर लेते हैं यूपीपीजीटी की। यूपीपीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, सिलेबस की अगर बात करें तो ये 11th से लेके आपका बीएससी तक का कवर करेगा, केवल बीएससी ही नहीं, कुछ टॉपिक्स तो बहुत अच्छे हैं, हालांकि अभी तक जैसा मैंने अध्ययन किया पेपर्स का उनसे क्वेश्चंस कम बनते हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी सिलेबस में है, और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स मोस्टली जो सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो एमएससी में ही पढ़ाती हैं, शायद केवल बीएचयू है जो उसको बीएससी में पढ़ाती है, बीएचयू उसको बीएससी में ही पढ़ा देती है, लेकिन बाकी सारी यूनिवर्सिटीज इसको एमएससी में पढ़ाती है, तो एक दो टॉपिक्स एमएससी से हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एमएससी की किताबें लेके बैठ जाएं। फिर कह रहा हूं सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी कारगर चीज है वो यही है कि पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, और किसी भी टॉपिक को बहुत डीप में नहीं पढ़ने बैठ जाएंगे कि एनएमआर है या आईआर है या ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आप पाविया पकड़ के बैठ गए, अब पाविया पढ़ रहे हो 3 महीने, क्वेश्चन आने 4 माह से और 3 महीने में आपको रिविजन करना है बहुत सारा, तो स्मार्ट स्ट्रेटजी रखी है, नॉलेज होना अलग बात है, सिलेक्शन लेना अलग बात है, दोनों में अंतर करिए। तो आपको क्या करना है कि आप 11th की किताबों से शुरू करिए, जो भी किताब आपने सबसे ज्यादा पढ़ी हो उसी को पकड़िए, वही आपके नैया पार लगाएगी, आपका विश्वास जिस पर सबसे ज्यादा होगा, चाहे आपका टीचर हो या बुक हो। तो आप 11th की किताब से थ्योरी कीजिए चैप्टर वाइज, सिलेबस को सामने रख के, और उसी किताब के क्वेश्चंस करते रहिए, इस तरीके से आप 11th से लेकर बीएससी तक का सारा सिलेबस कर लीजिए। अब हो क्या जाता है स्टूडेंट्स के साथ कि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट लाइफ में कुछ चैप्टर्स को नहीं पढ़ते हैं, हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चंस ऑप्शनल में रहते हैं, या ये कर लो या वो कर लो, तो लोग कुछ चैप्टर भी ऐसे ऑप्शनल में पढ़ते हैं, तो जो चैप्टर्स रह गए हों उन्हें आप, हालांकि हम तो यहाँ से क्लासेस कंडक्ट कर ही रहे हैं तो सारी चीजें पढ़ाएंगे, उन्हें आप अच्छे से पढ़ लें, उन्हें ज्यादा पढ़ लें, जो कम आए उसका अध्ययन ज्यादा करें, जिस और जो ज्यादा आता है उसका अध्ययन कम करें, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो इस तरीके से आप पूरा अपना केमिस्ट्री का सिलेबस तैयार कर सकते हैं, और बाकी हमारी टीम के साथ जुड़े रहेंगे तो हम लोग यहाँ सारी चीजें तैयार कराने वाले हैं, और डेमो वीडियोस भी आपको मिलेंगे, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू।